बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दलित मजदूर को अपनी मेहनत की मजदूरी मांगना पड़ा भारी। एक इंसान जब मजदूरी करता है तो उसका एक मकसद होता है कि उसने जो काम किया है उसे उसका पूरा मुआवजा मिल जाए ताकि उसके घर का गुजर बसर हो सके। लेकिन मध्य प्रदेश के रीवा से मजदूर से जुड़ा दिल दहलाने वाला मामला सामने आया, जहाँ एक दलित मजदूर को अपनी मजदूरी मांगना बहुत महंगा पड़ गया। जब मजदूर अशोक साकेत ने अपने मालिक से मजदूरी मांगी तो मालिक ने मजदूरी देने के बजाय उसका हाथ काट डाला। इस वारदात के बाद पुलिस ने मिश्रा और उसके दो भाई रतन मिश्रा और कृष्णा मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में कुछ लोग मजदूर के दलित होने की वजह से उसके साथ इस तरह का सलूक होने की बात कह रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो जो लोग आज देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, क्या उन्हें देश में हो रहे जाति भेदभाव नजर नहीं आते? आपको बता दें कि दीन इस्लाम खासकर मजदूरों को उनकी मजदूरी बराबर अदा करने की तालीम देता है। पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मजदूर को उसके पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी अदा करने की बात कही है। मजदूर को मजदूरी देने पर टाल मटोल करने से भी मना किया है। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।